अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तीली कैसे लगाते हैं। मेरा मतलब है कि फ्लेम कैसे जलाते हैं, मतलब उसको पेंट कैसे करते हैं। चले अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे वाटर कलर पेपर यूज़ कर रही हूँ और मैं सिर्फ जहाँ पे मैंने मैच स्टिक बनानी है वो स्पेस छोड़ के उसकी बाउंड्री पे सारा ब्लैक कलर एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि वो बीच में जो वाइट वाइट स्पॉट होता है वो नज़र बिल्कुल भी ना आए। मैं तो सच में यार बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, सुपर लेजी को अवार्ड मुझे देना चाहिए इन्हें। वीडियो बन तो जाती है बट मेन इशू ये होता है कि अब एडिट भी करना है। एडिट तो मतलब यू नो ओबियसली यार एडिट करूँगी तो ही लगाऊंगी ना, ऐसे लगाऊंगी तो आप पसंद ही नहीं करोगे। पर अभी भी पता नहीं पसंद करते हो कि नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले यार मैं कितना काम कर रही हूँ और मैं किस लिहाज से काम कर रही हूँ, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, ताकि मेरे माइंड में भी रहे कि आप लोग वो वीडियो पसंद देखना चाह भी रहे हो या नहीं चाह रहे हो। स्टिक बनाने के लिए मैंने स्किन कलर का यूज़ किया है और ऊपर से ब्लैक कलर से जो पार्ट उसका जला हुआ है वो शो करवाया है। अब मैं ब्लू कलर से उसकी थिन सी लाइन एक बना रही हूँ। डार्क ब्लू कलर को यूज़ करके मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ। और हाँ गाइस, अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आर्ट में इंटरेस्टेड है तो उसके साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो उसकी स्टिक के ऊपर जो है जहाँ पे पार्ट वो जला हुआ है या आग निकल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट में शो करने के लिए वही स्किन कलर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ तो ऊपर से मतलब फ्लेम ऊपर को जा रहा है तो ऊपर की तरफ को मैं कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं लाइट ब्राउन कलर से उसके ऊपर एक थिन लाइन ले रही हूँ। उसके बाद ऑरेंज कलर से मैं यहाँ पे फ्लेम को पूरी डिटेलिंग दे रही हूँ, पहले ऑरेंज कलर से, फिर उसके बाद मैं येलो कलर से जो भी अंदर फ्लेम में थोड़ी सी येलो मतलब जिससे ब्राइटनेस ज़्यादा होती है येलो से, तो वो चीज़ वही टच में देना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं येलो और ऑरेंज को मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से ताकि उसकी और ब्राइट और वो लुक बिल्कुल परफेक्ट सी शो हो। ऑरेंज और येलो कलर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब फ्लेम तो हमारा कंप्लीट हो गया है लेकिन हमने इसकी रोशनी चारों तरफ फैलानी है, तो हम इसकी द बैकग्राउंड में मैं कलर यूज़ कर रही हूँ ब्राउन और ब्लैक। अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ ताकि कोई मतलब अलग सही ना पार्ट लगे कि आगे की तरफ लग रहा है ज़्यादा, तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और ये हमारा जी फ्लेम रेडी हो गया है तीली लगाने के लिए। वेल, जब मैंने ये बनाया था मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था और मतलब मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि यार ये मैंने ही बनाया है। तो होता है ना कभी कभी चीज़ें हम इस तरह से बनाते हैं और फिर खुद पे यार प्यार आता है कि यार वाह इतना प्यारा बना है। वैसे तीली कोई लाइक करने वाली चीज़ तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ये कैसी बनी है। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।